दोस्तों नमस्कार। आज हमने एक हमारे सब्सक्राइबर भाई की समस्या ली है जो कि काफी अलग है, और वो पूछ रहे हैं, सर मैं काऊ को संतुलित आहार देता हूं, वो थोड़ा सा पतला गोबर करने लग जाती है। जब भी आप उसे दाना मिश्रण अच्छा देते हैं वो पतला गोबर करने लग जाती है। मिनरल मिक्सचर हमेशा देता हूँ, डिवॉर्मिंग भी करवा चुका हूँ और संतुलित आहार भी चल रहा है, काऊ को प्रॉब्लम क्या है? कुछ पता नहीं चल रहा है। दूसरी जो गाय है उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, यानी इनके पास दो गाय हैं, दोनों का खान पान सेम है, उसके बावजूद एक को जब भी दाना मिश्रण दिया जाता है अच्छा तो वो दस्त करने लग जाती है और दूसरी वाली बिल्कुल भी नहीं करती। डिवॉर्मिंग आपने दोनों की करवा दी है, तो उसमें आप जो काम करेंगे वो विशेष काम मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो गाय ऐसा कर रही है उसके शरीर में माइक्रोफ्लोरा, जो लाभदायक जीवाणु होते हैं, उनकी कमी है। तो माइक्रोफ्लोरा बढ़ाने के लिए मैं इस वीडियो में आपको डायरेक्टली एक पाउडर बता रहा हूं जो कि लीवर टॉनिक के साथ देना है, बेटर रिजल्ट मिलना ही पड़ेगा। और उस पाउडर का नाम है बायोवेट YC गोल्ड, यानी ये बायोवेट YC गोल्ड जो पाउडर है वो आप लेके आ जाए और 25-25 ग्राम सुबह शाम आपको देना है, और देने से पहले 2 घंटे इसे भिगोना है। देना कितना है आपको? 25 ग्राम BD देना है, ठीक है? और वो भी कैसे देना है? भिगो कर। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, 2 घंटे आप इसे भिगो दें पानी में अच्छी तरीके से मैश करके। इसके क्या है कि ये भीगने में थोड़ा सा दिक्कत करता है, तो मैश करके अच्छी तरीके से इसे भिगो दें, 2 घंटे भिगोए रखें, उसके बाद आप अपने पशु को दे दें तो जो प्रॉब्लम हो रही है वो दूर हो जाएगी। साथ में 50 ml BD के हिसाब से लीवर टॉनिक भी देना जरूरी है, जैसे हम ले सकते हैं सिरप LIV-52। तो LIV-52 आप कितना देंगे? 50 ml BD। ये डायरेक्ट आपको दाना मिश्रण में मिलाना है, दाना मिश्रण कुछ दिनों के लिए कम देना है, उसके बाद ये समस्या कंप्लीट मिट जाए तो उसके बाद आप आराम से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों का इस्तेमाल आपकी समस्या को 100% दूर कर देगा। फिर भी अगर ठीक नहीं होती है तो वापस कमेंट कीजिए।